ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक बार बाबा ने देखिए, आज तो मैं बैठी हूँ ना अनुभव सुनाने के लिए अपना, कि बाबा के साथ का अनुभव कहाँ कहाँ हुआ है, और ऐसा ऐसा वंडर हुआ है मेरे जीवन में कि जिसे मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। ऐसी जैसे मैंने बताया कि और सारा अनुभव हुआ है मुझे मेरे लौकिक पिता की बीमारी में। होता क्या, जब सब कुछ अपना अच्छा चल रहा होता है ना, तो भगवान साथ भी है, उसका अनुभव नहीं होता। मगर अनुभव तभी होता है जब सामने हमें कोई रास्ता न दिख रहा हो, उस समय ही साथ का अनुभव होता है। तो इसी तरह से एक बार मैं जा रही थी आबू, और पिता तो हमारे व्हील चेयर पर थे ही, लौकिक पिता, साथ में माँ थी और मैं थी। तो हम लोग को आबू जाना था, फिर पहुँचे अहमदाबाद, बाई एयर लेकर के गए थे। अहमदाबाद पहुँचे तो सहारा से मैंने टिकट करवाया था, लखनऊ से अहमदाबाद और अहमदाबाद और अहमदाबाद से फिर आबू बाई रोड जाना था। तो जब सहारा से मैं निकली हूँ, तो वो जब दिल्ली पहुँची है सहारा फ्लाइट, तो उस फ्लाइट में कुछ खराबी आ गई। उन्होंने हम सब लोगों को नीचे उतार लिया और कहा आप लोगों को दूसरी फ्लाइट से भेजेंगे। अब सहारा की तो एक ही फ्लाइट जानी थी अहमदाबाद, दूसरी फ्लाइट से कहाँ लेके जाएंगे। तो वो हम लोगों को लेकर के गए मुंबई, और जब मुंबई गए, अब वहाँ से वो दूसरे फ्लाइट से माना दूसरी कंपनी से बात कर रहे हैं, हमारे इतने पैसेंजर्स हैं लेके चलो अहमदाबाद, और वो लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। तो वहाँ शाम को 7:30 बज गए मुंबई में ही है, जबकि हम लोगों ने भोजन का ऐसे इंतज़ाम किया था कि हम लोग वहाँ आबू में 4 बजे तक पहुँच जाएंगे, तो दिन का भोजन काफ़ी है, शाम को 4-5 बजे तो आबू पहुँच ही जाएंगे। मगर वहाँ 7:30 बज गया, हम लोग वहीं पर हैं। तो दीदी को मैंने फ़ोन किया, विद्या दीदी को, मैंने कहा दीदी बताइए क्या करें, अभी हम लोग यहाँ पर ही हैं। तो दीदी ने कहा कि, मैंने कहा दीदी अहमदाबाद में है कोई स्थान, तो दीदी ने कहा कि है तो लोटस हाउस बना तो है, मगर आप वहाँ नहीं जाना। मैंने पूछा क्यों दीदी, कहा देखिए आप पिताजी के साथ में हो, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, दिनचर्या भी आपकी ऊपर नीचे होगी, थकी हुई होंगी, और रात को रुकेंगी वहाँ पे, तो अमृत वेला अगर आपका मिस होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आप वहाँ नहीं जाना। किसी मैं सोच रही हूँ रात को 8:30-9 बज जाएगा, अहमदाबाद पहुँचेंगे, फिर होटल कहाँ से मिलेगा, साथ में पिता हैं, बूढ़ी माँ और मैं अकेली, 3 लोग कैसे पहुँचेंगे। तो फिर मैंने दीदी को फ़ोन किया, दीदी अभी तक फ़्लाइट नहीं मिली है, 9:30-9 बज जाएगा। फिर दीदी ने मना कर दिया कि आप अहमदाबाद लोटस हाउस मत जाइएगा, किसी टैक्सी वाले को बोलिएगा पेड टैक्सी कराइएगा और वो आपको होटल पहुंचा देगा। अब एयरपोर्ट के आसपास तो होटल होंगे नहीं, ज़रूर 10-12 किलोमीटर दूर होंगे अहमदाबाद में, तो क्योंकि वहाँ होंगे तो बहुत महंगे होंगे। इसी बीच भाई का फ़ोन आया, कहाँ पर हो, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात हो गई। उसने कहा कि मैं अपने किसी फ्रेंड को भेजूँगा, मेरा फ्रेंड वहाँ पर है अहमदाबाद में, वो गाड़ी लेकर के आएगा और जहाँ कहोगी वहाँ पे छोड़ देगा उसका ड्राइवर। अच्छा, फिर भी मैं सोच तो रही थी। अच्छा दीदी ने कहा, मैंने कहा दीदी रात का भोजन का क्या होगा, भोजन लेके नहीं गई, करना वहाँ से फ़ोन कर लेना वो अच्छा रात का तो कर लेंगे, दूसरे दिन का क्या होगा, अहमदाबाद से 4 घंटे की तो हमारी रोड से जाना होगा हमें, तो 4 घंटे का सफ़र, उसे बिना खाए पिए पिताजी को दवा भी देनी होगी। दीदी बोली दूसरे दिन फ़ोन करके पूछ लेना, वो लोग बता देंगे अहमदाबाद से, वो लोग भोजन का इंतज़ाम करा देंगे। अब मैं मन ही मन बाबा को बोल रही हूँ क्या करूँगी, कैसी विकट स्थिति आ गई है, कैसे पहुँचेंगे, जो ड्राइवर होगा वो मुझे जानता होगा नहीं जानता होगा, भाई ने कहा वो तख्ती लिए हाथ में खड़ा होगा, कोई बात नहीं चलिए ठीक है चलते रहें। जब अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुँचे हैं और जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले, 2-3 बहनें सेंटर की सफ़ेद कपड़ों में, 2-3 भाई वहाँ खड़े हैं, देख के तो आश्चर्य मैं आश्चर्यचकित हो गई, ये क्या कमाल हुआ, ये कैसे। फिर मैंने मम्मी से कहा अरे बहनें तो यहीं खड़ी हुई हैं, ये कहाँ की बहनें आई हुई हैं, ज़रा पूछती हूँ। मैंने सोचा हो सकता है इनको कोई फ्लाइट पकड़नी हो, मैंने उनके पास जाकर के कहा कि मेरी फ़्लाइट छूट गई थी
और ऐसी ऐसी बात है, नहीं तो मैं तो मैंने सोचा था 4 बजे तक आबू पहुंच जाऊंगी और रात को कहीं मिल सकता है कि आसपास कहीं पर होगा कोई सेंटर। तो उस बहन ने कहा, अच्छा उसने सिर ऐसे हिलाया जैसे उसको सब पता हो। उसने कहा बाबा का घर है ना, चलो। अब फिर एक पशुपेश में पड़ गई, दीदी ने कहा था नहीं जाना है, ये बहन कह रही है चलो। अब उसको कैसे मना करूँगी मैं, तो कैसे चलूँगी, मैंने पूछा। बोली गाड़ी है ना बाबा की, लेकर के आए हैं हम। फिर हम लोग उस गाड़ी में बैठे। दूसरे दिन पता पड़ा कि कोई फॉरेनर आ रहा था उस फ्लाइट से, और उन बहनों के पास में पहले से ही सारी सूचनाएं थी और उसी सूचना के आधार पर वो लोग वहां पहुंचे थे। जब कमरे में पहुंचे हैं तो दीदी को सबसे पहले फ़ोन लगाया, तो दीदी बोली कहाँ पहुँचे, होटल पहुँच गई? मैंने कहा नहीं दीदी, लोटस हाउस पहुँचे हैं। बोली वहाँ कैसे पहुँची? मैंने उनको सारी कहानी सुनाई, ऐसे ऐसे हुआ। अब दीदी हंसी, कहती है मैं क्या करूं, जब बाबा तुम्हारे आगे आगे चल रहा है तो मैं क्या कर सकती हूं, रहो सुख से, कल जाना। तो इसे मैं क्या कहूंगी कि जिसको सोचा भी नहीं था, स्वप्न में भी नहीं था कि बाबा इस तरह से अचानक आकर के हमें मदद करेगा। तो आप सोच सकते हैं कि मुझे कितनी खुशी हुई हो, मुझे अंदर पड़ा उस समय कि वाह बाबा वाह। और बाबा कहते हैं ना कि ड्रामा एक्यूरेट है, तो अब तो सच में मुझे भी लगने लगा है कि ड्रामा एक्यूरेट है, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है। इसका आभास पहले नहीं होता था, पहले लगता था कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, अब लगता है। और बाबा कहते हैं कि बच्चों का के साथ में ड्रामा कल्याणकारी है, तो सच में कल्याणकारी लगता है।